अपने आप को थाईलैंड और नेपाल की इन महिलाओं को देख लीजिए। इनके साथ ही पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए और अपना मुंह छिपाते हुए इन महिलाओं को भी देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से पुलिस इन महिलाओं को क्यों अपनी गाड़ी में बैठा रही है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जो शायद पूरा माजरा समझ गए होंगे कि आखिर क्यों पुलिस इन महिलाओं को अपने साथ बैठा रही है। साथ ही क्यों ये अपना मुंह छुपा रही है? अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये महिलाएं और ये पुरुष सेक्स रैकेट के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दरअसल लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा एनक्लेव के एक फ्लैट में मंगलवार की सुबह छापेमारी हुई, जिसमें लखनऊ पुलिस की छापेमारी में 3 विदेशी लड़कियां समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि अलकनंदा एनक्लेव में महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इन सभी के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को इलाके के अलकनंदा एनक्लेव में रहने वाले लोगों की शिकायत मिली थी। एनक्लेव में रहने वाले लोगों की शिकायत पर जब वहां पुलिस पहुंची और छापेमारी हुई तो सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहां पर कुछ लोग विदेशी युवतियों से सेक्स रैकेट चलवा रहे थे। हालांकि ये रैकेट कब से चल रहा है इसका पता नहीं चल पाया है। और मेरे सामने यह घटना पहली बार आई है, हो तो रही है बहुत दिनों से जैसा देखने में लगा, लेकिन पकड़ा गया आज है। किसी के घर में दारू पी करके किराएदार ने तांडव किया, उनके परिवार काफ़ी परेशान हो गए। हम टहलने जा रहे थे, हल्ला हुआ तो मैं वहाँ आया, देखा तो वो आदमी दारू पी करके मस्त था और अपनी भाषा का दुरुपयोग और अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे 102 नंबर कमरे में जिसमें वो प्रवेश किया था, जिसके बेड पर जाके सो गया था मॉर्निंग में, वो उनसे कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब देखा गया, दूर किया गया, 112 नंबर को फोन किया गया, तो पाया गया कि इनके घर में कुछ। पुलिस की छापेमारी में कई विदेशी लड़कियां और लड़के फ्लैट में पकड़े गए हैं। फ्लैट में रहने वाली लड़कियां थाईलैंड और नेपाल की बताई जा रही। एनक्लेव में रहने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ युवतियां स्पा सेंटर की सर्विस देने के नाम पर सेक्स रैकेट चलाती थी। यहाँ पर देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता था, जहाँ पर कई बार नशेबाजी को लेकर विवाद की स्थिति भी बन जाती थी। ऐसी विवाद की स्थिति बनने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने छापेमारी कर विदेशी युवतियों को पकड़ा। उन्होंने खुद को लेकर ब्यूटी पार्लर लाइन से जुड़ा होने का दावा किया और साथ में पकड़े गए 2 युवकों को अपना साथी भी बताया। हालांकि पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट चलने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। अब इस मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब सवाल है कि आखिर इतने दिनों से ऐसे पॉश इलाके में जब सेक्स रैकेट चल रहा था तो स्थानीय लोगों को इतनी देर से जानकारी कैसे हुई। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।